प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है। एनआईए को एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें पीएम मोदी की हत्या की बात कही गई है। इसके बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और इस संबंध में सभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। मेल में दावा किया गया है कि 20 किलो आरडीएक्स के साथ भारत में एक्टिव स्लीपर सेल्स पीएम मोदी को मारने की साजिश रच रहे हैं। ईमेल करने वाले ने कहा है कि वो आत्महत्या कर रहा है जिससे इस साजिश का पर्दाफाश ना हो सके। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अपने नापाक मकसद को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों ने 20 स्लीपर सेल का गठन किया है। जिस शख्स ने एनआईए को ईमेल भेजी है उसका कहना है कि प्रधानमंत्री को मारने की योजना तैयार हो चुकी है और इस काम के लिए 20 स्लीपर सेल्स तैयार हैं और 20 किलो आरडीएक्स की व्यवस्था कर ली गई है। 2 करोड़ लोगों को मारने का दावा करने वाले इस शख्स ने ईमेल में यह भी कहा है कि उसके कई आतंकियों से संबंध हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में आईईडी विस्फोटक पदार्थ और अभी हाल ही में जयपुर में आरडीएक्स बरामद हुआ था। वहीं ईमेल भेजने वाले ने मेल में लिखा है कि मेरे पास 20 किलोग्राम से ज्यादा आरडीएक्स है और मैंने 20 बड़े हमले की योजना बना ली है। इन सभी आरडीएक्स को बड़े शहरों में प्लांट कर दिया गया है। मैं मोदी को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मारना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री पर बमबारी करूंगा क्योंकि इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और 2 करोड़ से अधिक लोगों को मार दूंगा। उसने अपने ईमेल में आगे लिखा है कि लोग मर रहे हैं इसलिए वे अब मेरे बम से मरेंगे। मैं कुछ आतंकियों से मिला हूं और वे मेरी मदद करेंगे। मुझे खुशी है कि मुझे बम आसानी से मिल गए। अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। अब इस ईमेल की बातों में कितनी सच्चाई है सुरक्षा एजेंसियां इसे जांचने में लगी हुई हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही देश विरोधी तत्वों के निशाने पर रहे हैं लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से उनकी साजिश हमेशा विफल होती रही है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।